आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक इलेक्ट्रिकल पावर। इस वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले यूज करते हैं और क्या रोल है इलेक्ट्रिकल पावर का हमारे डेली लाइफ में, इस बारे में बात करेंगे। और आफ्टर दैट हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। आप लोगों ने सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, जब तक हमें हमारे टॉपिक का मेन मोटो ना पता हो, जब तक हमें ये ना पता हो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को क्यों यूज करते हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर को, तब तक हम लोग इसके लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे घरों के अंदर जो सर्किट जनरेट हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के लिए, उन सर्किट के अंदर करंट किस अमाउंट में फ्लो हो रहा है, क्या टाइम इंटरवल तक क्या करंट फ्लो हो रहा है, उससे जो वर्क जनरेट होगा उससे हमारा पावर निकल के आता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा बिजली का बिल आता है उस बिल के अंदर कुछ यूनिट्स लिखे होते हैं कि इतना यूनिट हमने इतना मंथ में यूज कर लिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पेमेंट करना होता है। तो वो जो यूनिट्स हैं वो पावर हैं जो हमारे घर के इलेक्ट्रिकल सर्किट ने कंज्यूम की हैं। तो अगर हम लोग बात करें पावर की, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर जितना वर्क किया है हमारे घर के इलेक्ट्रिकल एप्लायंस ने, वो होता है उसका पावर। तो अगर हम लोग बात करते हैं पावर के जनरल फॉर्मूले के लिए, तो पी से हम लोग डिनोट करते हैं पावर को, पी इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू अपॉन स्मॉल टी। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कौन सी वैल्यू किस वैल्यू को डिनोट कर रही है, तो अगेन यहां पी है हमारा पावर, जिसके लिए यूनिट होती है वॉट। कुछ यूनिट्स आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। डब्ल्यू होता है हमारे पास वर्क डन, जिसके लिए हम लोगों को पता है यूनिट क्या होती है, जूल्स। नेक्स्ट होता है हमारे पास टी, जो कि होता है टाइम, जिसके लिए जनरल यूनिट होती है सेकेंड, लेकिन अभी हम लोग आगे यहां पर आर्स में भी इस यूनिट को पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां से फॉर्मूला क्या निकलेगा वन वॉट के लिए, तो वन वॉट इक्वल्स टू वन जूल पर सेकेंड। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन वॉट इक्वल्स टू वन जूल पर सेकेंड होता है। लेकिन हमारे पास जो पावर का कंज्यूमशन होता है वो वॉट में नहीं होता है, वो किलो वॉट में होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है, वन किलो वॉट इक्वल्स टू होता है 1000 वॉट के। यानी कि अगर हमारे घर के इलेक्ट्रिकल एप्लायंस 1000 वॉट एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो जाकर के वो 1 किलो वॉट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये जनरल फॉर्मूला है पावर के लिए। लेकिन अगर हम लोगों को वर्क या फिर टाइम के अंदर कोई यूनिट ना दी हो क्वेश्चन में, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, W इक्वल्स टू V इंटू I इंटू टी। यहां पर जो W की वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे हमारे पावर के फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू W की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे V इंटू I इंटू टी अपॉन में टी। टी से टी को कैंसिल आउट करेंगे तो P इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, V इंटू I। यहां पर P पावर यूनिट रहेगी वॉट में, V रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट रहती है वोल्ट, I रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट रहती है एम्पियर। यूनिट भी आप लोगों को साथ ही याद करनी है, क्योंकि यूनिट के भी हाफ मार्क्स होते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। अब हम लोग यहां से कुछ और फॉर्मुलों की हेल्प से कुछ नए फॉर्मुले फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल्स टू आर इंटू आई। हम लोग यहां से वी की वैल्यू रख लेते हैं, V की वैल्यू कितनी है यहां पर, R इंटू आई। इस वैल्यू को पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, ये क्या बनेगा, P इक्वल्स टू V की जगह पे रखा R इंटू आई इंटू आई। यहां फॉर्मूले में P की वैल्यू कितनी आएगी, P इक्वल्स टू R इंटू आई स्क्वायर। यहां पर P पावर यूनिट रहेगी वॉट, R है रेजिस्टेंस यूनिट होती है ओम, I है करंट यूनिट रहेगी इसकी एम्पियर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोगों को यहां पर I की वैल्यू पुट कर दें, सेम फॉर्मूले से I की वैल्यू निकाल लें, किस तरीके से निकालेंगे, ये नीचे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में V अपॉन R इक्वल्स टू I। इस वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर, ये क्या बनेगा, P इक्वल्स टू V, I की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा है, V अपॉन R। V से V को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, V स्क्वायर। वैल्यू क्या बनेगी, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। एक ये फॉर्मूला भी बन जाएगा हमारा पावर के लिए। तो आपने देखा 1 2 3 4, हम लोगों ने 4 फॉर्मूले बनाए हैं पावर के लिए। अब जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन होगी, सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर गिवन लिखना है, ताकि हमें क्लियर हो जाए हमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां से कुछ फॉर्मूलों को पुट कर लेंगे। अब ये तो हो गई बात कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला पुट करना है।
अब यहां एक बात आती है यूनिट कन्वर्जन। मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैं यूनिट कन्वर्जन के ऊपर बहुत बार बता चुकी हूँ कि यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन किस यूनिट में दिया है हमें आंसर उसी यूनिट में लेकर के आना होता है, इस बात पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन की तो कुछ पॉइंट्स देख, जैसे कि हम लोग हमारा पहला पॉइंट अभी पढ़ के आ चुके हैं कि 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है 1000 वाट की। ये 1000 वाट जो पावर कंज्यूम हुआ है कितने टाइम के लिए हुआ है, 1 आवर के लिए हुआ है। ऐसे ही अगर हम लोग वाट को कन्वर्ट कर लें जूल पर सेकंड के अंदर तो वैल्यू क्या बनेगी, 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 1000 जूल पर सेकंड। कितने आवर्स के लिए, 1 आवर्स के लिए। हम लोग इस आर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड के अंदर, कैसे होगा, 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 1000 जूल पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय, हम लोग आर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में क्योंकि यहां पर हमारे पास फॉर्मूले में एक यूनिट ऑलरेडी सेकंड के अंदर है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। ये हो जाएगा 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 1000, 3 0 यहां पर है, एक यहां एक यहां, कितने हो जाएगा 10 to the power 5, 6 6 जा 36, ये हो जाएगा 36 सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 into 10 to the power 5 जूल्स। आप चाहे तो इसको पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आया 36 into 10 to the power 5 जूल। अगर हम लोग चाहें इसको इतना ही छोड़ दें या फिर पॉइंट में अगर निकालना है 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 10 to the power 6 जूल्स, हम लोग इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसे हमें न्यूमेरिकल में यूज किस तरीके से करना है, अगर किलोवाट आर में हमारे पास आंसर आ रहा है, उन्होंने बोला जूल में कन्वर्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.6 10 to the power 6 से। अगर हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी है जूल्स के अंदर, बोला इसको किलोवाट आर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो डिवाइड कर दीजिए 3.6 10 to the power 6 से। तो ये बहुत इजी है लेकिन साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगेन मैं बता रही हूँ यूनिट का हाफ मार्क्स होता है और यूनिट कन्वर्जन अगर क्वेश्चन में गिवन किया है तो 1 मार्क्स में ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये था हमारा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल के फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। अगले पार्ट के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।